क्या लीक हो जा रहा है सुरेश जी? लीक हो रहा है, कूलेंट लीक कर रहा है, कूलेंट बार बार लीक हो जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो कोज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? राजगीर ट्रिप। आइए दोस्तों, देखिए हमारी सवारी और उधर गाड़ी भी है, ठीक है ना, और भी सवारी उधर आ रहे हैं और हम दोनों आपको ले जाएंगे कहाँ? राजगीर। हमारे साथ और चलिए चलते हैं राजगीर। शुरू करते हैं हम लोग एक थोड़े से गरम जलपान से, जिसको बोलते हैं चाय। सुबह सुबह काफी ठंड है दोस्तों, तभी हम लोग चाय का चुस्की लेते हैं। चुस्की। हेलो, हाय, हेलो, ये देखिए चाय मिला है। ये है प्रिंस, हमारे ग्रुप का सबसे छोटा धमाका। सब लोग यहाँ चाय का चुस्की ले रहे हैं। आपके हाथ में चाय का चुस्की नहीं नजर आ रहा है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर। ये देखिए पीछे हमारे ब्रह्मकुंड, अभी हम आपको दिखाते हैं, तब तक थोड़ा सा नजारा देखिए यहाँ का। और हम लोग मिलते हैं जहाँ जहाँ जाएंगे, आप लोग वीडियो को जरूर पूरा बने रहेगा, आपको साथ साथ घुमाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पार्किंग कर दिए हैं। तो ये है देखिए मुख्य द्वार ब्रह्मकुंड राजगीर का, और इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों लोग अंदर में जो पानी का सोता है वो हमेशा गर्म रहता है। ये वो स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध तपस्या किए थे, यहाँ से होते हुए फिर बोध गया थे। अभी दोस्तों हम लोग चल रहे हैं मेन मंदिर के अंदर, अंदर तो नहीं घुसेंगे लेकिन फिर भी आपको दिखाएंगे लोकेशन क्या है। यहीं पर है अंदर में ब्रह्मकुंड, जिसमें गर्म पानी का सोता है। अब बहुत सारे लोग जाते हैं नहाने के लिए, लोग का ऐसा मान्यता है कि इसमें चमर रोग ठीक हो जाता है। सप्तधारा कुंड है, आप देखिए लोग काफ़ी सारे लोग नीचे नहाएंगे तो नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा चलते हैं, आपको दिखाते हैं रिकॉर्डिंग। देखिए कितने सारे लोग नहा रहे मेरे पीछे, आप देखिए इतना सुंदर स्टैचू है, एकांत ध्यान। अभी हम लोग वापस आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, जल्दी बढ़ रहे हैं दोस्तों। रास्ते पे है मंकी, आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं काफी सुंदर व्यू है यहाँ का पूरा। हम लोग अभी जा रहे जंगल सफारी के दोस्तों, अभी हम लोग सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे बाहर, और पहुंच चुके हैं हम लोग। काफ़ी सुंदर पीछे पहाड़ का व्यू है दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पहुँचा हूँ। आप पढ़ सकते हैं सामने राजगीर वन्य प्राणी सफारी में, बच्चे लोग जा रहा है, हम लोग भी जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहुँच गए राजगीर वन्य प्राणी सफारी, और यहाँ एक वन्य प्राणी, क्या बात है, क्या डांस कर रहे हैं।
दोस्तों यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। ये काफ़ी सुंदर सा बाहर में पार्क बना हुआ है जो मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ऐसे ही पूरा दीवार है और यहाँ लिखा हुआ है राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट के लिए। तो दोस्तों देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, हमारे पीछे आपको दिखाते हैं एंट्रेंस गेट है जू सफारी। अभी हम लोग यहाँ से प्रवेश करेंगे, अंदर चलेंगे, आप सबको जो जो मैं देखूँगा आप सब भी देखेंगे। हम लोग एंटर कर चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं काउंटर की ओर और यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद एज यू ऑल नो जाएंगे जू सफारी। टिकट काउंटर है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4 वेटिंग लॉन्ज है, काफ़ी सुंदर है। तो हमारी टीम खड़ी है, हमारी टीम खड़ी है टिकट काउंटर पे और अभी अंदर जाएंगे हम लोग। अभी कोई हमारी सारी टीम, हमारे सारे लोग कि अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। यही एंट्रेंस है जू सफारी का, ये हमारा बस है जिससे हम लोग अभी जाएंगे। सब लोग इसमें बैठ रहे हैं। ये हमारा पीछे गाड़ी चल चुकी है, कुछ गाड़ियाँ छोड़ते हुए अभी जा रहे हैं पीछे। हमारी सारी टीम यहीं पर है, हमारे गार्ड हैं शंकर कुमार ले जा रहे हैं हम लोग को। स्टे ट्यून्ड गाइस, हम लोग एक नया चीज एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, एक वाइल्ड लाइफ को। बाय। वोमिटिंग होती है पूछ रहे हैं। वेरी गुड। और बस में कुछ भी खाना पीना अलाउ नहीं है और विंडो से थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखी है, मतलब कि हाथ वाथ नहीं मारना है विंडो पे, ध्यान देना है विंडो पे कोई हाथ वाथ नहीं मारे। अभी आज ओपन करेंगे, ये हमारा गेट है, गेट से हम घुस चुके हैं। हम लोग वाइल्ड लाइफ में आने वाले हैं, टोटल जंगल है। जेरियन देख सकते हैं, इनका झुंड है यहाँ पे, ये झुंड पे रहते हैं और देख सकते हैं खा रहे हैं। बियर बियर जोन में जा रहे हैं, भालू अगर लग रहा है तो भालू देखने को मिलेगा। अभी हम लोग डियर देखे हैं, अलग अलग प्रकार के कुछ भी छोड़े और कुछ खोज रहा है खाने के लिए भालू। बड़ी बड़ी जय मिली तो नहीं, सामने हमारा लायन सामने से ना और भाई थोड़ा पहले पिए लेता अल्लाह फोटो खिंचवा रहा है इसपे सर। हाँ सेल्फी, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ वाह, अब खींचत रहा है आराम से। दोस्तों आप लाइन देखे ना, पैसा वसूल हो गया दोस्तों, पैसा वसूल। ये देखिए वहाँ पे एक बेल है और यहाँ का कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं। शांति स्तूप के ऊपर से नीचे पहाड़ी का व्यू है। देखिए यहाँ सामने चाइनीज़ भाषा में कुछ लिखा हुआ है। अब बहुत टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, बैठ चुके हैं रोपवे में, जा रहे हैं हम लोग ऊपर शांति स्तूप देखने। आप लोग वीडियो में बने रहिए और आपको दिखाते हैं नीचे का व्यू और हमारे पीछे भी कुछ लोग हैं। तो दोस्तों ये देखिए शांति स्तूप है, बंदर के बच्चे देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कहाँ चल रहे हम लोग? विश्वविद्यालय का गेट होता है, विश्वविद्यालय का गेट जा रहा हूँ।
ये सामने वाला गेट अंदर से जाकेगा ना तो दिखाई दिखाई दे देगा ब्लैक बुद्धा। यहाँ पे ब्लैक बुद्धा है जो खंडर के खुदाई में निकला था। हाँ खंडर खुदाई में निकला था। इधर आपका स्तूप अभी अभी बहुत सारा एक्सकवेशन बाकी है, बहुत एरिया ये सब जो गांव देख रहे हैं इसको भी एक्सकवेट करेगा तो बहुत सारा निकलेगा। देखिए काला बुद्धा है इसमें कैसे पूजा पाठ के। तो नेक्स्ट प्लेस आए हैं वो हमारा जैन मंदिर है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर वगैरह है। यहाँ पे सामने आप दिख रहा है आपको ये टेम्पल्स है। ये मेरा छोटा पैक है भाई, छोटा पैक कम ऑन रन 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 रन। ये है जैन मंदिर, जैन टेम्पल। इसके अंदर जाएंगे हम दर्शन करने के लिए और थोड़ा आशीर्वाद लेंगे। अंदर जाने के लिए आपको जूते निकालने पड़ते हैं, खाली पैर बिल्कुल श्रद्धा भावना से स्वच्छ भावना से अंदर जाना होता है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक से हम सबको हिम्मत मिलता है और आगे वीडियो आता रहेगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे भले रहिए, भले चंगे रहिए। आप सबको गुड बाय बाय बाय।